की लगता है हुण तुसीं मैं वेख रहा सीगा तुसीं काले कानून जिहड़े ने ओह अग दे विच पा रहे सीगे बहुत सारे घरां दे दीवे बुझ गए ने सीवियां दे विच अग बल चुकी है सरकारां नूं कोई असर नहीं होया की इस अग नूं वेख के सरकारां नूं कोई असर पऊगा उम्मीद करनी चाहिए ये पवित्र आग है लोहड़ी की जिसे आज हमें रोष के साथ मनाना पड़ा है उम्मीद करनी चाहिए कि इस आग की आँच कहीं दिल्ली दरबार पहुँचेगी उम्मीद करनी चाहिए कि इस आँच से इस देश के प्रधानमंत्री का दिल थोड़ा सा पिघलेगा 50 दिन से जो पत्थर की तरह दिल उन्होंने रखा हुआ है हो सकता है वो दिल पिघल जाए कम से कम लोहड़ी के दिन तो ये उम्मीद करनी चाहिए योगेंद्र जी जो 4 मेंबरी कमेटी बनाई गई है क्या आप सहमत हैं उससे वो कमेटी के बहुत किंतु परंतु हो रहा है किसान ही खुद किंतु परंतु कर रहे हैं और इसके जो एक आगू हैं मैं पहले ही पूछ के हटाऊँ उसमें एक खेतीबाड़ी माहर भी रखे गए हैं और एक किसान आगू हैं वो बीके उससे भी जुड़े हुए हैं तो आपको क्या लगता है आखिर क्यों इतना सहमे हुए हैं किसान क्यों नहीं उस कमेटी के पास जाना चाहते अगर वो सिफारिश करे तो क्या मसला हल नहीं हो सकता वो रेफरी का काम नहीं कर सकती पहली बात कि हमने शुरू से कहा था कि हम ऐसी किसी कमेटी के इन प्रिंसिपल खिलाफ हैं क्योंकि हम बातचीत को सरकार से हटा के जुडिशरी के पास नहीं ले जाना चाहते क्योंकि हमने पहले दिन से साफ कहा है बातचीत हमारी सरकार से हो रही है कोर्ट में ना हम गए ना हमारा जाने का इरादा है हमने ये भी कहा कि ऐसे मामले टेक्निकल कमेटीज फैसला नहीं कर सकती फ्रेमवर्क तय हो जाए तो कमेटी डिटेल तय कर सकती है फ्रेमवर्क क्या हो ये कमेटी तय नहीं कर सकती है और जब 4 लोगों के नाम आ गए तब तो सारे लोग हंसने लग गए लोगों ने मुझे फ़ोन करके कहा कि यार ये तो अच्छा कि आपने पहले से ही नहीं किया ये 4 लोग बहुत अच्छे हैं ये 4 इस तीनों कानूनों के सबसे बड़े एडवोकेट हैं ये तो वकील हैं अब आप प्लेयर को रेफरी बना दो ये दूसरी टीम के 4 सबसे बड़े प्लेयर हैं फॉरवर्ड हैं अब फॉरवर्ड को आप रेफरी बना दो ये थोड़ी चलेगा लेकिन ये बात आपने उनको उस वक्त कोर्ट में बताई थी कि जो आप कमेटी बनाने जा रहे हो अगर उन्होंने अनाउंस किया था नाम तो क्या यहाँ पे जो किसान आगू है उन्होंने ये बात बताई थी कि ये जो नाम आप बता रहे हैं ये तो हमें मंजूरी नहीं है हमने उससे एक दिन पहले बयान दे के स्पष्ट कर दिया था ऐसी किसी भी कमेटी के ना हम आगे ना उसके पीछे हम ऐसी कमेटी से कोई ताल्लुक नहीं रखेंगे इसलिए जब ये चर्चा हुई कि कौन लोग कमेटी में होंगे हमारे वकील तो थे ही नहीं किसान है नहीं उसके अंदर हम उससे बाहर हैं कोर्ट है कमेटी है जिस कोर्ट ने कमेटी बनाई है वो बात भी करवा लेगा आपस में खेलते रहे अपना करते रहे सरकार से बात कर ले हमें कोई मतलब नहीं है इसका योगेंद्र जी आखिरी सवाल है तो इसके बाद जब एक मीटिंग रखी गई है 15 तारीख को अगर वो मीटिंग बेसिट्टा रहती है कोई निचोड़ नहीं निकलता उसमें सो जो 26 तारीख की जो रणनीति तैयार की गई है मान लो 26 को भी नहीं होता मसला हल फिर उसके बाद क्या कि अभी तो हम 26 को देख रहे हैं एक टारगेट रखा हुआ है 26 फिर क्या देखें हम आंदोलन चलता रहेगा आंदोलन आगे बढ़ेगा आंदोलन रुकेगा नहीं हमारी हिम्मत कम नहीं हुई है हमारा जोश कम नहीं हुआ है किसान में धीरज है किसान टिकना जानता है सरकार को अभी तक पता नहीं है और मोदी जी को मैं कहता हूँ मोदी जी जितना जल्दी निपटा लोगे फिर भी सस्ते में मामला टूट जाएगा जितना देर करोगे महंगा सौदा होगा अब आप सोच लो कब करना है सरकार भी ऐसे टिकना जानती है वो कुर्सी पे टिकना जानती है वो कुर्सी पे टिकना जानते हैं लेकिन कुर्सी के लिए सौदा महंगा होता जा रहा है देख लो जितना देर करेंगे उतना महंगा सौदा होगा कोई बात नहीं खास तौर के योगेंद्र यादव जी ने कहा है कि कुर्सियों के उत्ते टिकना सरकारी आगुओं को बहुत महंगा पै सकता और जिन्नी देर करते जाएंगे उन्ना ही यह सौदा जड़ा है इस वक्त महंगा पैंदा जाऊगा सो इस वक्त थोड़ा विखा रहे हैं कि किस तरीके वख-वख शख्सियतां पहुंचियां हुई ने।